नमस्कार दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में डिजिटल पेमेंट को लेकर कई सारी खबरें आ चुकी थी और इस पर बहुत समय से काम चल रहा था, लेकिन अब एक कंफर्म रिपोर्ट आई है कि नवंबर में ये पेमेंट सिस्टम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस पर सारा ही काम कंप्लीट हो चुका है। ऐसा कहना है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स का, और जितनी भी टेक्निकल प्रिपरेशन थी इसको लेकर वो भी पूरी हो चुकी है और सभी लोग इसको लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। अब इसके जरिए क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांसफर इजी हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच में। ऐसा काम मुन्नी राज भंडारी ने, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है नेपाल क्लियरिंग हाउस के, जो कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है। आपको बता दें कि इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए काफी इजी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाएंगे नेपाल और इंडिया के बीच में, जो कि बिजनेस से लोगों के बीच में, साथ ही साथ स्टूडेंट्स, टूरिस्ट और बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा पाएंगे, इंक्लूडिंग मी। लेकिन अभी शुरुआती दौर में ये पर्सन टू पर्सन साथ साथ मर्चेंट पेमेंट के लिए फंड ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध कराएगा, जो कि मोबाइल के जरिए आप लोग आराम से कर सकते हैं। यानी कि नेपाल से कोई भी भारतीय यूपीआई आईडी पर पेमेंट किए जा सकते हैं और बैंक एक्सेप्ट करेंगे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को। इससे बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा, इजी पेमेंट मिलेगी, साथ साथ क्लियर ट्रांजेक्शन भी मिलेंगे। तो ये काफी अच्छी खबर है भारत और नेपाल को लेकर। अब नेपाल और भारत के बीच में जितने भी QR आपको दिख सकते हैं UPI के जरिए नेपाली साथ साथ भारतीय पे कर सकते हैं दोनों ही देश में कहीं पर भी, और एक रेवोल्यूशनरी चेंज जरूर लाएगा नेपाल और भारत के बीच में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि जब नेपाल और भारत के बीच में पेमेंट शुरू हो गए जो कि इंटर ऑपरेबल भी हो। और जैसे ये नवंबर में लॉन्च होगा हम सभी पेमेंट करके जरूर देखेंगे कि हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप इससे खुश हो या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपके लिए कुछ इजीनेस प्रोवाइड करेगा UPI, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, और देखते रहिए NI News with Shivam।